रात को यार सारा मैंने ना प्लस्तर वगैरह कर दिया था, खुश्क वगैरह हो गया हुआ ये वाला, पानी शानी मैंने दे दिया अभी ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार रात को हमने ना इसको बाउंड्री को प्लस्तर वगैरह कर दिया है। सुबह उठ के मैंने क्या किया, ये वाली जो बेस रह गई थी ना, ये वाली मैंने ना इसको जो ये कील वगैरह लगा दी हैं यहाँ पे ना, ये देखें ज़रा, रात को कहीं बिल्लियाँ पता नहीं लड़ाई की क्या हुआ यहाँ पे, ये सारी जाली ख़राब कर दी उन्होंने, तोड़ दी, मतलब लगी हुई जाली तोड़ दी। बाकी ये देखें यहाँ पे एक ही कील लगा हुआ ना, यहाँ पे सारी जाली ख़राब कर दी हुई थी, तो यहाँ पे कितने कील लगाने पड़े मुझे। तो यार ये सुबह तो बहुत सही है, बस टेंशन एक देखने को मिली है। तो बाकी ये वाला सारा जाली का काम ओके है, बाकी यहाँ पे भी सारी मैंने लगा दी है, और ये वाली जो साइडें थी इसके ऊपर भी लग गई है। अभी ये चेक करें कितनी फुल टाइट करा के मैंने जाली लगाई है, लचक बिल्कुल नहीं है इनके अंदर। तो अभी हम क्या करने लगे हैं कि ये वाला केज उठा के रखेंगे इसके ऊपर, उसके बाद लगेगी इसकी छत। तो इंशाल्लाह ताला यार आज हमारा जो केज है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बर्ड्स भी और आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो उनके लिए अभी ये सेटअप काफ़ी ज़्यादा तैयार हो चुका है। बाकी जो रह गए हैं केज, अभी एक दो केज और बनने हैं, वो इस साइड पे बनेंगे, यहाँ पे ये वाला सारा उठा के ना यहाँ पे केज बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको उठा के ना इसके ऊपर रख देते हैं। ये वाला हमने यहाँ पे रख दिया है। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि ना इसकी ये जो साइडें हैं ना, ये सही इतना दीवार के साथ फिट नहीं आ रही, ये आप चेक करें ज़रा, यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, ड्रिल मशीन लगा के ना यहाँ पे, ड्रिल मशीन लगाने से ये है कि दीवार के साथ वो लगा देंगे इसके ऊपर पेच वगैरह, अगर कल को खोलना भी पड़े तो हम आसानी के साथ खोल सकते हैं। तो पेच लगा देते हैं इसको यहाँ पे, तो फिर ये वाली जो स्पेस है ना सारी ख़त्म हो जाएगी साइडों पर। रह गया अभी ये वाली साइड पे भी लग गया, ये रहता है, ये लगाओ आप लगाओ, कोई मसला नहीं है, काम करना पा रहा है आपको, कुछ हो रहा है भाई। अच्छा ये वाला कील भी लग गया है फुल, ये देखें, मैं कहता हूँ अब ये कहीं भी नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यार इतनी दिनों की मेहनत के बाद हमारा पिछला जो केज है वो रेडी हो गया। अब इसकी छत रह गई है ये वाली, छत बाहर डालने वाली है, फटे बहुत बड़े हमारे पास, वो देखें पीछे कितना फटा पड़ा हुआ है, साफ साफ फटे उठाएंगे इसके ऊपर लगाएंगे। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया, जो इतने दिन मेहनत की है ना उसके पैसे भाई पूरे हो गए आज अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैंने क्या किया, ये वाले ना फटे पड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा पीछे, तो ये निकाल लिए हैं, इनकी ये वाले ना सफाई नहीं है इनके ऊपर, क्या होगा कि कटिंग वगैरह जब करेंगे ना तो जो एक्स्ट्रा होंगे वो ज़ाया मतलब ख़त्म हो जाएंगे, तो बाकी सफाई आ जाएगी नीचे से, जो ख़राब है कुछ ऊपर से ख़राब है ये वाले, तो ये सफाई लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ना एक डिज़ाइन वैसे सोचा हुआ है, अगर तो वो डिज़ाइन सही लगा इसके ऊपर तो इंशाल्लाह ताला वैसा केज बना के मैं मतलब छत इसकी बना के दिखाता हूँ आपको, फिर आपने बताना ये कैसी है। हमारे पास ना दरवाजे पड़े हुए थे पुराने, तो मैंने क्या किया है कि मैं पहले सोच रहा था कि दरवाजे इनके ऊपर लगा दें ऐसे, तो ये था कि दरवाज़ों की वजह से ना उनके ऊपर ना वो प्लेन नहीं रहना थे, ना नीचे से प्लेन रहना थे ना ऊपर से, तो उनके अंदर डिज़ाइन होता ना दरवाज़ों के अंदर, तो ये अभी बारिश होनी थी ना फिर हमारी छत लीक करती रहनी थी, तो मैंने अभी इसलिए ये वाले फट्टे को मैंने कहा ये वाले लगाते हैं, पड़े तो हुए ही हैं, तो ये दोनों साइडों पर लगा देंगे, इसके ऊपर डिज़ाइन कोई सोच के ना मैंने सोचा हुआ है, अब देखते हैं कि वो सही लगता भी है इसके ऊपर या नहीं।
इस साइड पे रख दो ऐसे सीधा करके, नहीं काट लेंगे कोई मसला नहीं। कच्ची लकड़ है ये, कौन सा पक्की है? अब सही है आपके एक दो फटे रख देख लो पहले, सब्र करो। ये देखो आराम से भाई, आराम से, खराब नहीं करनी कोई चीज। वो आराम से, इधर जाली है, वो जाली खराब हो गई। एक मिनट रुको, मैं ये मेज रख लूँ इधर, आ गया जी साइड पे ले जा। पीस हो छोटे यार, सही है। वैसे इधर से ना सेंटर में रख बाल के, ज़्यादा इधर को ज़्यादा करने देना, ऐसे रख रख दो, नीचे रखो तो सही। इधर से पूरा पूरा, इधर से भी बाहर निकाल देना, सही है। एक मिनट रुकना, आ ऐसे ना जाइए। ओ ये भी बकर, अब वो ध्यान से जाइए, इसके वो उसके ऊपर पाँव रखी, भाई जान बच लेंगी, भाई जान गिनने का नहीं, यहाँ पे चोट लगेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ सही है, अब वो काट लेंगे, सही है। तो बाला और देख लेते हैं, कोई इससे भी मोटा पता ही होना है, पीछे बहुत बड़े हैं यार। ये छोटा पीस नहीं सही लग रहा, इसके अंदर में फिर वो स्पेस आ गई, वो देखो ना उसके अंदर, वो उसके नहीं, वो उसके अंदर, हाँ इसके अंदर नहीं स्पेस चाहिए, पूरा पूरा हो ना ऊपर को बना हुआ वगैरह जो है ना, कटिंग वगैरह हो गए हैं, तो जो साइड पे लगना था वो भी हो गया, जो सेंटर में लगने वो भी हो गए, तो एक दो बाले काम हो गए हैं, वो चेक करते हैं वहाँ से जो उठते हैं तो वो भी पूरे करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, होते ना इनको दाना पानी डाल देता हूँ, सुबह के ये भूखे हैं बेचारे, ये देखो कैसे आगे आ रहे हैं, चलो पीछे पीछे हमारा मुर्गा चेक करें, माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया ये वाला, छोटा सा लेके आए। बस क्या हुआ, वो देख कैसे आगे बैठ गई ऊपर, चलो आ जाओ यार, क्या चीजें हैं ये, वो भी पंजा मार दिया। पानी भी इनका चेंज कर लेते हैं, पानी देखो क्या हाल किया होगा पानी का, इन्होंने है भी नहीं है, सारी मिट्टी मिट्टी की हुई है। तो ये हमारे बटेरे देख रहे हैं मिट्टी के अंदर कैसे खेल रहे हैं, आराम से मजे कर रहे हैं। ये बेचारा अकेला ही रह गया, इसका भी कुछ हाल सोचना पड़ेगा जल्दी जल्दी, सारा दाना पानी खत्म किया होगा इसने। पता नहीं किधर कैसे बैठे हुए हैं, अंडे इनके साइड भी पड़े हुए हैं, और ये वाले पता नहीं कैसे अंडों के ऊपर पता नहीं क्यों नहीं बैठे हुए, बस पता नहीं, मेरा ख्याल कुछ दिन ही रह गए, इंशाल्लाह ताला हमारे दोस्त हो गए ना अंडे, जल्दी इनके बच्चे निकल आएंगे, तो मैं इनको भी पानी वगैरह दाना वगैरह डाल देता हूँ। अभी अंडे नीचे कर लिए इसने अपने, पहले बाहर ही पड़े हुए थे साइड पर। चलो जी किधर क्या कहेगा, चलो जी बस जल्दी जल्दी इसके बच्चे निकलें, इनको भी पानी दे देते हैं। चलो जी ओए बाहर ना निकल आए, तो देख रहा है बाहर नहीं निकला, शुक्र। चलो जी इनको दाना डालने वाला रह गया, ये बेटेरों को, बाकी सबको दाना पानी अलहमदिल्ला दोस्तों हो गया हमारा, तो इनको भी मैं दाना डाल देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब परिंदों को ना पानी भी दाना वगैरह डाल दिया हुआ है, ये खा पी रहे हैं, उधर कबूतर भी मारे, बस इंशाल्लाह उनके बच्चे जल्दी जल्दी निकलें, बच्चे जल्दी जल्दी निकलें तो वो देखने को मिलेंगे, वो माशाल्लाह चार अंडे अल्लाह के देखे चार अंडे के अंदर ही बच्चे निकलें। तो बाकी मारा ये केज वाला काम भी तकरीबन अब
कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ छत रह गई और दरवाजा है। दरवाजा तो कोई मसला नहीं, ज़्यादा लंबा काम नहीं दरवाजे का, कटिंग वगैरह कर दी है। यहाँ पे हमारे जो तोते हैं इनको भी मैंने पानी दाना वगैरह डाला है, मतलब कि मैं सुबह देखा है आज ही देखा है कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हुआ था बाज का, तो शुक्र है मैंने देख लिया। ये भूखे बेचारे पर बैठे हुए थे रात के पता नहीं। तो बाकी ये वाला काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कम्प्लीट है, जाली वगैरह बस सिर्फ इसका पेंट रह गया, जाली का छत डलनी और पेंट करना, ये वाला काम कम्प्लीट है हमारे सारे। बहुत इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर इस केज के अंदर आ जाएंगे, सारे इंजॉय करेंगे। वो जो कबूतर बच्चों वाले हैं ना, जो अंडे पे बैठे हैं, उनको नहीं भी हम छेड़ेंगे ना तंग करेंगे। बाकी सारे जो परिंदे हम इसके अंदर रख देंगे। मुर्गियाँ हमारी वो काफ़ी माशाल्लाह भरी हो गई हैं, तो इनको मैं क्या करूँगा कि ये यहाँ पे छोड़ दूँगा, रोज़ सारा दिन फिरती रहेंगे यहाँ पे। फिर ये है कि ये भी जल्दी अंडे देने लग जाएंगी, काफ़ी भरी होगी अंडे देने वाली हैं। यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर देना, हमारे चैनल पेट शैटर को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।